अपने चैनल प्रोलिक स्टेज पे। प्रोलिक स्टेज के माध्यम से दो ऑयल के बेस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये नीम ऑयल बेस है, इसे कैसे बनाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसे बना सकते हैं घर पे। साथ ही साथ ये आपका आंवला हेयर ऑयल के लिए बेस तैयार है। दो बेस हम बना चुके हैं, आज हम बनाएंगे अनियन हेयर ऑयल के लिए बेस। इसके लिए हमें चाहिए प्याज। तो जब भी आप ऑनियन से बेस बनाते हैं तो आपको ऑनियन का चयन करना होता है, किस प्रकार का आप प्याज लेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। तो इसके लिए हमें चाहिए जो नासिक का प्याज होता है, यानी कि जो रेड कलर का, जितना ज़्यादा इसमें कलर रहेगा उतना ज़्यादा हमारा ऑयल जो है बेनिफिशियल बनेगा। हमें जो ऑयल की पूरी प्रॉपर्टीज़ लेने के लिए प्याज जो है बहुत अच्छे से चयन करना होगा। इस तरीके से हमने लेने हैं प्याज। अब जो ये प्रकृति के द्वारा दी हुई वेजिटेबल है, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं ये क्यों हमारे हेयर के लिए अच्छा है। ये हमारे हेयर को ना सिर्फ नर्शिंग करता है बल्कि उसकी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है। हेल्थ के लिए ही प्याज पूरा बहुत अच्छा माना गया है। कैंसर और उसके अलावा डायबिटिक वगैरह सभी को ये कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। प्याज जो है बहुत ही हेल्दी है। इसमें जो सल्फर रहता है वो बालों के लिए बहुत ही गुणकारी माना गया है। जिनके हेयर्स थिन रहते हैं उनके लिए ये हेयर ऑयल बहुत ही अच्छा रेमेडी है। तो हम इस हेयर ऑयल के लिए बनाने, आपने YouTube पे अगर हेयर ऑयल की वीडियोस देखी होंगी, बेस तो बहुत सारे पड़े हैं YouTube पे, बट प्रॉपर वे किस तरीके से आप इसको बनाएंगे वो आज इस वीडियो में आप अंत तक देखिएगा, पूरी वीडियो में वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो प्याज है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो साइड रहती है ये रूट रहती है। अगर आपने बायो पढ़ी है यानी बायोलॉजी वगैरह पढ़ी है तो आप जानते होंगे जो इनकी रूट पार्ट रहता है, रूट में इनका बहुत ज़्यादा फूड जो रहता है रूट में संचित रहता है, यानी कि जो प्लांट भोजन बनाता है वो अपनी जड़ों से बनाता है। जितनी भी वनस्पतियाँ हैं वो सब बीज से ग्रो होती हैं और बीज जो रहता है काफ़ी हेल्दी है। बीज इसीलिए सीड्स को खाना बहुत ही बेनिफिट बताया गया है। सीड्स किस तरीके से खाना है ये भी प्रोलिक स्टेज के माध्यम से मैं आपके साथ बहुत सारी वीडियोज में शेयर कर चुकी हूँ और आने वाली और वीडियो में भी शेयर करूँगी। चलिए टॉपिक से ना हटते हुए बात करते हैं अनियन की। किसी भी प्लांट की अगर हम बात करें तो उसकी जो रूट रहती है, रूट के बाद स्टेम और जो भी है, इनमें फूड पार्टिकल्स जो रहते हैं बहुत ज़्यादा रहता है। जो भी ये फूड बनाता है इनमें जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स, उसके अलावा फाइबर जो भी कंटेंट रहेगा वो रूट के थ्रू होते हुए आपके आगे फ्रूट में जाएगा। तो हमें यहाँ लेना है प्याज और प्याज को हमने लेना है, छीलना है। हम इस तरीके से प्याज को छीलते हैं। प्याज को छीलने के बाद ये जो पार्ट है ये हम कंज्यूम करते हैं और इसे वेस्ट मान के फेंक देते हैं, जबकि ये जो पार्ट है इसमें बहुत सारी प्राण शक्ति है। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से, योगा की दृष्टि से देखें या आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो ये जो पार्ट है ये इस पार्ट से ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हमें ऑयल बनाने के लिए इस ऑनियन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, हमने ऑनियन ऑयल बनाने के लिए इस पार्ट का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आप आधा से एक किलो प्याज लेंगे। आप चाहे एक या दो दिन के प्याज के छिलके इकट्ठे कर सकते हैं। अनियन की हमने जो लेयर लेनी है वो इस तरीके से, एक फर्स्ट लेयर और एक सेकंड लेयर। इसमें जो पिगमेंटेशन रहता है, पिगमेंट रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं। आप जानते ही हैं जो स्किन रहती है ये सिर्फ हमारी बॉडी में ले लो या फिर आप वनस्पति में ले लो, ये सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। आप अगर अपने शरीर के देखें तो हमारी जो त्वचा है, अगर त्वचा ना हो तो सोचिए आप कैसे रह सकते हैं। त्वचा जो है ये हमारे शरीर रूपी दुर्ग का जो है पहरेदार है। अगर ये पहरेदार मजबूत नहीं होगा तो हमारा शरीर कुछ भी काम नहीं करेगा। सेम वे वनस्पतियों के साथ है। जो ये ऊपर की लेयर रहती है ये इनकी बहुत ही पावरफुल रहती है, जो कि इन्हें धूल, धूप, मिट्टी, धूप सभी से प्रोटेक्ट भी करती है। साथ ही साथ उसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया वगैरह, हार्मफुल बैक्टीरिया से इनको प्रोटेक्शन मिलती है। इसलिए ये जो लेयर रहती है इसमें बहुत ही ज़्यादा जो प्राण शक्ति मानी गई है, इस लेयर को हम हमेशा फेंक दिया करते हैं। जबकि ये जो पार्ट है, जितने भी हमारे योगा वगैरह के आचार्य रहे हैं उन्हें ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता थी, तो वो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से यूज़ करते थे। हम लोगों ने इन सब चीज़ों को, प्रकृति की इतने बहुमूल्य चीज़ों को, हमने इसकी वैल्यू नहीं समझी और इन्हें फेंकना शुरू कर दिया, जबकि ये फेंकने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हमने इन छिलकों को इकट्ठा करना है।
आप चाहें तो अगर आपके घर में कम प्याज कंज्यूम होते हैं तो आप 2-3 दिन के प्याज के छिलके इकट्ठे कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो इस प्याज को कद्दूकस करके इसका रस अलग स्टोर कर लीजिए। जो कद्दूकस करने के बाद रस निकालने के बाद पार्ट बचेगा उसे आप सुखा के स्टोर कर लीजिए, और जो छिलके रहेंगे उससे हम बनाएंगे हेयर ऑयल। तो हमने इन छिलकों को इकट्ठा करना है। प्याज हम इसमें इसके अलावा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, हमें ये दोनों ही पार्ट चाहिए, ये रूट वाला पार्ट चाहिए, ये बाहर की लेयर चाहिए और एक अंदर की लेयर, बस ये 3 लेयर हमें चाहिए, इसके अलावा हमें प्याज में कुछ भी नहीं चाहिए। इन लेयर्स को लेके आप अच्छे से पानी से वॉश करेंगे, 2 या 3 बार पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी आप डाल के और बिल्कुल स्मूथ इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। जब आप इन छिलकों को पीस लेंगे तो कुछ इस तरीके का पेस्ट मिलेगा, देख रहे हैं ना आप इसका कितना अच्छा कलर है, ये कलर जो है इसके जो छिलके हैं इसके पिगमेंटेशन की वजह से है, यही कलर और यही चीज़ चाहिए। अगर आप प्याज से हेयर ऑयल बनाते हैं उसके रिजल्ट्स और इसके रिजल्ट में जमीन आसमान का फ़र्क रहेगा। अगर आपने ऑनियन का ऑयल बेस ऑनियन से बना के यानी कि ऑनियन के रस से बना के बनाया है तो एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, जो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा वो उस प्याज में नहीं मिलेगा। तो हमने इससे डालना है एक बाउल में जिसमें भी आप इसे कुक करेंगे। अब जितना हमने प्याज का पेस्ट लिया है उतना ही हम लेंगे तिल का तेल। तिल का तेल आप जो है बिल्कुल प्योर तिल का तेल लीजिएगा, तिल का तेल देख के लीजिएगा, खाने वाला जो तिल का तेल रहता है वही हमने यूज करना है। तो जिस भी मेजरमेंट से आप प्याज के पेस्ट को मेजर करेंगे उतना ही आपने तिल का तेल ले लेना है मेजर करके। तिल का तेल मेरे पास अभी कमेंट में एक कमेंट आया था कि क्या तिल का तेल जमता है, जी नहीं, तिल का तेल बिल्कुल नहीं जमता है, वो इसी तरीके से रहता है, मैंने इसे मेल्ट नहीं किया है। इसे भी हम इस बाउल में डाल देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने जो भी बेस बनवाए हैं वो उसके लिए तिल का तेल ही क्यों लिया है। तिल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज रहती हैं, वो आप उसके अंदर जो भी बेस बनाएंगे वो उसके पूरे गुणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी किसी भी तेल में ये क्वालिटी नहीं पाई जाती है। इसलिए जब भी आप शीर पाक विधि यानी कि हॉट प्रोसेस मेथड से ऑयल तैयार करते हैं तो बेस के लिए हमेशा तिल का तेल ही यूज़ किया जाता है। तो हम इससे तिल के साथ अब पकाएंगे। ध्यान रखना है जो कुकिंग प्रोसेस रहेगा वो लो फ्लेम पे रहेगा, लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है तेल बनने में। जो भी हम बेस तैयार करते हैं 10 से 15 मिनट में वो बेस तैयार हो जाता है। तो हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। मैंने इंडक्शन पे बर्तन को रख दिया है, जैसे ही तेल ये गर्म हो जाएगा तभी हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। गर्म होने तक हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे। जैसे ही ये ऑयल गर्म हो जाएगा हम फ्लेम को लो करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे 5 से 7 मिनट और कुक करेंगे। ये ऑयल में बॉयल आ गया है, इंडक्शन को अब हम बंद कर देंगे। अब इसे हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये प्याज जो है पूरी तरह से ऑयल ना छोड़ दे, यानी कि ऑयल बिल्कुल बाहर आना चाहिए और प्याज जो है वो पूरा भुन जाना चाहिए। जब प्याज पूरा भुन जाएगा तब हम इसे ऑयल को अलग करेंगे। इससे प्याज की जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सब ऑयल अपने अंदर ले लेता है। 10 मिनट हो गए हैं, ऑयल जो है वो पूरी तरह से कुक हो गया है। अगर आप प्याज को देखेंगे तो इसका कलर जो है बदलना शुरू हो गया है। एक प्लेट में अगर आप एक ड्रॉप ऑयल की निकाल के देखेंगे तो ऑयल ही रहना चाहिए, यानी कि इसमें पानी की क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। प्याज को हमने ऑयल के साथ इससे ज़्यादा स्टेज पे नहीं पकाना है, जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा हमने इंडक्शन को या गैस को बंद कर देना है। अदरवाइज जो प्याज के ऑयल में जो बर्निंग का फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज़्यादा आने लगेगी और वो अच्छा नहीं तेल बनेगा। तो हमें इस स्टेज पे इंडक्शन को बंद कर दिया है, अब हम इसे छान लेंगे। छानने के लिए आप किसी भी बाउल पे मलमल का कपड़ा या फिर इस तरीके से कैरी बैग रख के इसे छान सकते हैं। ऑयल जो है वो गरम गरम ही हमें छानना है, बिल्कुल ठंडा होने पे हम इसे नहीं छानेंगे। ऑयल को हमेशा आपने दबा दबा के निकालना है, जैसे जैसे आप इसे हैंडल कर सकें उतना उतना आप इसे दबाते रहिए। अगर आप चाहें कि आप हैंग करके निकाल लें तो भी इसमें से पूरा ऑयल जो है वो नहीं निकलेगा, तो हमें इसे दबा दबा के ही निकालना है। इसे अच्छे तरीके से निकालने के बाद जब ऑयल ठंडा हो जाएगा तो आप इसे
बॉटल में भर के स्टोर कर सकते हैं। ये हमारा अनियन हेयर ऑयल का पेस्ट तैयार हो गया है। हमने इसे तब तक निचोड़ते रहना है जब तक कि पूरा ऑयल बाहर ना आ जाए। जब पेस्ट बने रहते हैं तो कोई भी ऑयल आप बहुत इजीली घर पे बना सकते हैं। आप काम करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसीलिए जो वीडियोस बन रही हैं अभी बेस की बन रही हैं। बेस के साथ आप कितने तरीके से और कितने ऑयल बना सकते हैं ये सब आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप भी अपने बालों में हिना अप्लाई करते हैं, हिना का प्रयोग करते हैं, तो आप इस ऊपर वाले जो पेस्ट है इसे फेंकेगा नहीं, इसे आप हिना में ऐड करके बालों में लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इनकेस अगर आप हिना ऐड नहीं करते हैं बालों में, हिना का प्रयोग नहीं करते हैं, तो एक या दो दिन का खट्टा दही लेके आप उसमें इसे डाल के बालों में लगा सकते हैं। एक या दो घंटे के बाद आप बालों को धो लीजिए, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। इस पेस्ट को आप रख सकते हैं 2 से 3 दिन तक, आप इसे रेगुलर यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। एक बार ऑयल बेस को आप बना के इसे सालों साल स्टोर कर सकते हैं। ये ऑयल बेस जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन बेसिस के साथ आप ऑयल किस प्रकार से बना सकते हैं और कितने ऑयल बना सकते हैं। आपने देखा होगा हमने इन छिलकों का प्रयोग करके, यानी कि अनियन के छिलकों के साथ हमने जो ऑयल बनाया, आप देखिए मेरे हाथों पे अभी तक कलर है जबकि मैंने 2-3 बार पानी से धो लिया है। बिल्कुल ये वैसे ही इफेक्ट देता है जैसा कि आंवले की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। तो आप इस हेयर ऑयल बेस को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आज का कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और यूज़फुल वीडियो के साथ। थैंक यू।